भारत वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय का एक महत्वपूर्ण सदस्य, रचनात्मक मस्तिष्कों का अनोखा घर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की आधुनिक संरचनाओं की संभावनाओं का नया संसार। प्राचीन समय में शून्य की खोज से लेकर हाल ही में मंगलयान से मंगल ग्रह की कक्षा तक पहुंचने के ऐतिहासिक सफर का साक्षी, भारत की ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था 21वीं सदी में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की मदद से महाशक्ति बनने की ओर कदम बढ़ा रही है। आजादी के बाद से ही भारत सरकार ने देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की आधारभूत सुविधाओं की स्थापना संबंधी कार्य किए। निर्णायक नीतियों ने भारत में वैज्ञानिक अनुसंधानों को आगे बढ़ाते हुए टिकाऊ और समावेशी विकास को गति प्रदान की। अब 21वीं सदी में हमें उन प्रयासों की सफलता मिलती दिखाई दे रही है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधानों को बढ़ावा देता रहा है ताकि 21वीं सदी में भारत के समक्ष उत्पन्न समस्याओं का समुचित समाधान किया जा सके। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं जैसे 30 मीटर टेलीस्कोप यानी TMT आदि में सहभागी की भूमिका निभा रहा है। 30 मीटर टेलीस्कोप ब्रह्मांड को समझने की एक विशालकाय आंख के समान है। हवाई में स्थापित होने वाला ये सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप होगा। भारत 30 मीटर टेलीस्कोप की वैश्विक परियोजना में 10% की भागीदारी निभा रहा है। 30 मीटर टेलीस्कोप सहयोग के कारण भारत की प्रौद्योगिकी क्षमता नए एवं रोमांचक क्षेत्रों में प्रवेश करेगी। यह परियोजना भारतीयों को TMT अवलोकन कक्ष में स्थान दिलाने के साथ ही वैश्विक खगोल विज्ञान में उन्हें विशेष दर्जा दिलाएगी। जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने लगभग 3 दशकों से कृषि, पशु, समुद्री एवं चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई है। हाल ही के वर्षों में इसके द्वारा भारत के पहले और पूर्णतया स्वदेशी टीके रोटावैक की मदद से विकासशील देशों में रोटावायरस जन्य डायरिया का उन्मूलन किया जा सकेगा। लगभग $1 कीमत के रोटावैक टीके को जल्द ही भारत के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के अंतर्गत कार्यरत वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR देश के प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संगठन के रूप में कायम है। ये 38 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, 39 आउटरीच केंद्रों, 3 नवाचार परिसरों एवं 5 इकाइयों का समूह है। हाल ही के वर्षों में CSIR ने उल्लेखनीय कार्य किए हैं, जिनमें विश्व स्तरीय कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप के विकास से लेकर जैव जेट ईंधन का निर्माण किया जाना शामिल है। CSIR के समक्ष अन्य देशों के सामने अपने यहाँ प्रौद्योगिकी के विकास की चुनौती रही। इसके परिणाम स्वरूप सन 1980 में भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम का विकास हुआ। ऐसी उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए वाशिंगटन पोस्ट में छपी टिप्पणी का शीर्षक था एन एंग्री इंडिया डज इट। विकास और नवाचारों का दूसरा आधार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है। ये पृथ्वी की मौसम परिघटनाओं का पूर्वानुमान लगाने वाला केंद्रीय तंत्र है। इसके लिए इसके विभिन्न विभाग और संस्थान धन्यवाद के पात्र हैं। भारतीय मौसम विभाग द्वारा चक्रवात की ट्रैकिंग एवं भविष्यवाणी के लिए वैश्विक असर पूर्वानुमान व्यवस्था को लागू किया गया है। इससे स्थानीय समुदायों को चक्रवात संबंधी चेतावनी के द्वारा सजग और सावधान किया जा सकता है। सन 2004 के बाद सुनामी के लिए चेतावनी व्यवस्था का भी विकास किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय केंद्र में महासागर सूचना सेवा के तहत 7 दिनों 24 घंटे काम करने वाले सुनामी आरंभिक चेतावनी केंद्र की स्थापना की गई है। इस प्रकार अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के साथ पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। स्वतंत्रता के 68वें वर्ष में प्रवेश कर रहा भारत आज अनुसंधान एवं नवाचार के वैश्विक परिदृश्य में स्थान रखने वाले गिने चुने देशों में शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं में भागीदारी ने भारतीय विज्ञान जगत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है।
साथ ही स्वदेशी प्रौद्योगिकियां देश से संबंधित समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर रही हैं। बाल एवं युवा आधारित योजनाएं भारत की भावी पीढ़ियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रसार में सहायक होंगी। समय आ गया है कि भारत आज वैश्विक परिदृश्य पर अपना स्थान सुनिश्चित करने के साथ गर्व से कह सके, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को जानो, भारत को मानो।